बीते कुछ दिन पहले ट्राई के जनवरी महीने के रिपोर्ट में हमने आपको बताया था कि जनवरी महीने में वोडाफोन आइडिया ने 17 लाख ग्राहकों को जोड़ा है, परंतु यह डेटा गलत था। दरअसल वोडाफोन आइडिया ने ट्राई को गलती से गलत डेटा सबमिट करी थी, परंतु अब ट्राई के वोडाफोन आइडिया के जनवरी महीने का रिपोर्ट आ चुका है। जनवरी महीने में वोडाफोन आइडिया ने 23 लाख ग्राहकों को खोया है। आपको बता दें कि जनवरी महीने में वोडाफोन आइडिया ने सिर्फ उत्तर प्रदेश सर्कल में ही कुछ ग्राहकों को जोड़ पाई है, बाकी सारे 21 सर्कल्स में वोडाफोन आइडिया ने अपने ग्राहकों को खोया है। वहीं बात कीजिए भारतीय एयरटेल की तो भारतीय एयरटेल ने 59 लाख ग्राहकों को जोड़ा है, वहीं रिलायंस जियो ने 20 लाख ग्राहकों को जोड़ा है। इस तरह अब भारत के तीनों ही टेलीकॉम कंपनियों का ग्राहक आधार रिलायंस जियो का 410.7 मिलियन, एयरटेल का 344.6 मिलियन, वोडाफोन आइडिया का 281.9 मिलियन। वहीं मार्केट शेयर की बात की जाए तो रिलायंस जियो का मार्केट शेयर 35.43%, भारतीय एयरटेल का 29.72% और वोडाफोन आइडिया का 24.32% है। टेलीकॉम न्यूज की रिपोर्ट।